नमस्कार, मैं हूं अंजी डोगरा। हिंदुस्तान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। रोडवेज बस ने मारुति वैन में मारी टक्कर। महोबा जिले में रोडवेज बस और मारुति वैन में हुई भिड़ंत में वैन सवार आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दो लोगों की हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया। हादसे की वजह घना कोहरा होना बताया जा रहा है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग के पचपेहरा गाँव के समीप का है, जहां महुआ की ओर से आ रही रोडवेज बस और सामने से आ रही मारुति वैन की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में वैन सवार में सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें दो लोगों की हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया। वैन में सवार घायल ने बताया कि हम लोग सुपा गांव से अपनी साइड से आ रहे थे, तभी सामने से आ रही महुआ डिपो की रोडवेज बस ने टक्कर मार दी, जिसमें 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज कर रहे जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि बस और वैन की टक्कर से 5-6 लोग गंभीर हालत में ही आए हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक है, जिन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। महुआ से संतोष कौशिक की खास खबर। सर, एक सड़क हादसा सामने आया, कितने लोग घायल हुए? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का मामला है, जो बस और ओमनी के आपस में टकराने से लगभग 5-6 लोगों को यहाँ पे गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 2 लोग सीरियस है, जिनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल महोबा से मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर किया जा रहा है। सर, रोल भैया, आप मारुति वैन का टक्कर हुई है, कैसे टक्कर हो गई, क्या है? हम लोग अपनी साइड सामने हम लोग अपनी साइड चल रहे थे, तो रोडवेज वाली बस महोबा डिपो वाली बस लाए, हम लोग को टक्कर मार दी उल्टी साइड में, और हम लोग घायल हो गए। हमारे वहाँ ड्राइवर को चोट लगी, काफी हमारे बगल में बैठा उसको चोट लगी, काफी लोग चोट लगे। कितने लोग गाड़ी में, कितने लोग सवार थे, कितने लोग घायल? गाड़ी में 10 लोग सवार थे और 7-8 लोग घायल हैं। कहाँ से आ रहे थे आप? हम लोग आए थे सुपा से। क्या नाम है? हमारा तौफीक खान।